भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने के लिए जुलूस पर भगवान राम की स्तुति हर घर से हुई। लोगों की आयोजन में भागीदारी रहे इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर घर कॉलोनी जाकर भगवान राम की इस यात्रा का आमंत्रण दिया, जिसमें उनसे अपेक्षा की गई है कि वो जुलूस के दौरान अपने घर और प्रतिष्ठान से वो पुष्प वर्षा करेंगे। इसके साथ ही माधव चौक पर समापन अवसर पर होने वाली आरती विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके साथ ही रात में विभिन्न कलाकारों द्वारा श्री राम की वंदना संगीत की स्वर लहरियों के साथ की गई। आयोजकों ने बताया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज वर्मा के साथ शहर के प्रतिनिधि इस महा आयोजन में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। संजय कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे से मैं जिले का अध्यक्ष हूं और आज जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव और जन्मदिन हम पूरे भारतवर्ष में मनाते आ रहे हैं। इसी प्रकार शिवपुरी जिले के अंदर शिवपुरी नगर में भगवान राम की एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन पूरे नगर के विभिन्न रास्तों पर किया जा रहा है। झांकी के स्वरूप में डीजे बारात के साथ भगवान राम का एक विशाल शोभा यात्रा पूरे शहर में नगर में घूमेगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जगह जगह उनके स्वागत के लिए तैयारियां की गई है और स्वागत समारोह रखा गया है। इसी क्रम में हमने भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग मोर्चे हमारे नगर मंडल ने स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर, और मैं सभी देशवासियों को भारतवासियों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। बोले जय जय श्री राम। मेरा नाम सपना गोयल है। सबसे पहले मैं सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर गुरुद्वारे पे ये बहुत बड़ा विशाल छठवा भंडारा है जो हमारे राकेश गर्ग उर्फ टिल्लू भाई साहब के द्वारा किया जाता है। इस भंडारे में पूरी अग्रवाल परमार सेवा समिति का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और हर साल रामनवमी पे जो भव्य जुलूस निकलता है उसका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, जो अभी थोड़ी देर में यहाँ गुरुद्वारे चौराहे पे होने वाला है। और हर साल मटकी फोर आयोजन किया जाता है। इस समिति में बहुत कई भव्य भव्य प्रोग्राम होते हैं जिसमें सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करते हैं और भाग लेते हैं और सहयोग देते हैं। कितने बजे से भंडारा चल रहा है? ये सुबह 9 बजे से भंडारा चल रहा है। सबसे पहले कन्या भोजन होता है, कन्याओं की पूजा होती है, उसके बाद भंडारा गुरुद्वारे चौराहे पे स्टार्ट किया जाता है। कितने बजे समापन होगा? शाम तक चलेगा। अभी ये रैली निकल जाएगी जब तक भंडारा चलता है, उसके बाद समापन होता है। ये छठवा भंडारा है, 6 साल हो गए हैं इसको कराते कराते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।